इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर चुके, एक्सरसाइज 2.2 के हमने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। वाह, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्लास 8 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों नमस्ते, भारत माता की जय। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आपकी नजरों के सामने है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो। आपको जो एज दे रखी है ना वो एग्जैक्ट ना देकर रेशियो में दे दी कि राहुल भैया है 5 और हरुण भैया है 7। 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद में द सम ऑफ दियर एज, उन दोनों की एज कितनी हो जाती है? 56 हो जाती है। तो ये कह रहा है व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? वाह वाह, तो इधर देखना ध्यान से, हमें कुछ पता तो है नहीं, तो हम लेट द अज्यूम करेंगे, लेट द एज ऑफ राहुल की, तो x से तो आप परेशान हो गए, आपकी x की बात नहीं कर रहा हूं मैं, x x जो मानते हैं ना मैं जूम, तो ये ले लो आप y ले लो, 5y है ना। द एज ऑफ हरुण इसकी कितनी हो जाएगी? 7y हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 4 years later मतलब, या हाँ 4 year later द एज ऑफ राहुल, द एज ऑफ राहुल ये कितना हो जाएगा? 5y+4। और सेम द एज ऑफ हरुण ये कितना हो जाएगा? 7y+4। अरे समझ में आया ना, ये तो इसकी प्रेजेंट एज है और ये कह रहा है 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी, तो प्लस 4 कर देंगे। अब हमारा हथियार लेकर आता है, देखो थोर के पास क्या है? हथौड़ा, हमारे पास है स्केल। चलो और ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, इसको और इसको, तो इन दोनों का ऐड करने पर इनकी टोटल कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। एक तो राहुल को और एक हरुण की आयु को ऐड कर दे 4 ईयर वाली आफ्टर वाली, तो ये आ जाएगा 56। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, 5y+7y 11y, 4+4 8=56। तो ये हो जाएगा 11y=56-8। एक सेकंड, सही है ना, तो 12 होगा, ये 12 होगा, तभी मैं सोचू कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ये हो जाएगा 12y=48, तो y=48/12, तो ये हो जाएगा 4। 48 में 12 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा, तो y कितना आ गया आपका? 4 आ गया। तो देखो द प्रेजेंट एज पूछ रहा ना आपसे, तो कितनी हो जाएगी? 5 × 4, तो इसकी तो हो जाएगी 20, और इसकी कितनी हो जाएगी? 7 × 4 28। यही आपको निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज का आपको रेशियो दे रखा है 7:5। ठीक है भैया, द नंबर ऑफ बॉयज जो है ना 8 मोर देन है किससे? गर्ल्स से। ठीक है ये भी, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल स्ट्रेंथ, तो एक क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, एक क्लास में कितने बालक और बालिकाएं हैं, तो देखते हैं हम कितना है। लेट द बॉयज कितने हो जाएंगे आपके? 7z मान लो, कुछ भी मान लिया करो, x ही मानना जरूरी नहीं है, है ना, कुछ भी मान लो। एंड द गर्ल्स 5z। ठीक है भैया, द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन, बॉयज 8 मोर देन, तो 7z किसमें किससे ज्यादा है? गर्ल्स से ज्यादा है, और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5z, है ना। ये चीज समझने की, देखो ये कह रहा है जो बॉयज है ना वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है, बस खत्म। 7z- इसको इधर ले लो, 5z=8, तो 7z में से 5z माइनस कर दो, तो 2z=8, तो z=8/2, 8 में 2 से डिवाइड करो, 4 आएगा आपका। अब आपको, अभी तो हमने z की वैल्यू निकाली है, अब आपको कह रहा है कि द बॉयज कितने हो गए? देखो द बॉयज हो जाएंगे 7z है ना,
तो ये हो जाएगा 7 into 4, तो ये हो जाएगा 28। द गर्ल्स कितनी है? 5z, जेड की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 20। लास्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज अ टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो गई आपकी? 28 + 20, तो ये हो जाएगा 48 बच्चे हैं टोटल, ठीक है ना। 28 तो बॉयज है, 20 आपकी गर्ल्स है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसमें तीन पीढ़ियों का जिक्र हो रहा है, बाईचुंग, बाईचुंग के पापा, बाईचुंग के दादाजी का, तीन चीजों का जिक्र हो रहा है। बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर बाईचुंग ग्रैंडफादर। अब समझना देखो, बाईचुंग के जो दादाजी है ना, दादाजी, और बाईचुंग के जो पापा है ना, तो बाईचुंग के पापा उनके ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है, मतलब छोटे, तो छोटे होंगे वो तो। उसके बाद ये कह रहा है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग की जो पापा जो है ना वो बाईचुंग से कितने बड़े है? 29 ईयर्स ओल्ड। बस अभी तक यही तक समझो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको अच्छे से समझ लो। देखो, लेट दी बाईचुंग फादर, तो हम क्या करेंगे, बाईचुंग के फादर को मान लो एक्स है, क्या मान लो एक्स है, बाईचुंग के ग्रैंडफादर क्या हो जाएंगे, द है ना, द या द बाय मत लगाओ, नाम से पहले कोई द नहीं आएगा, यहां पे बैठा दो, लेट लिखो सिर्फ बाईचुंग ग्रैंडफादर, भाई अगर ये इस दादाजी से इसका ये बेटा, मतलब इनके पापा, बाईचुंग के पापा उसके दादाजी से 26 ईयर ओल्डर है, तो ये सॉरी ओल्डर नहीं यंगर है, तो ये 26 ज्यादा होगा ना, x प्लस 26 होगा ना, क्योंकि ये ओल्डर हो जाएगा उससे, ये यंगर है तो ये उसका ओल्डर ही होगा ना। अब बाईचुंग खुद क्या है, बाईचुंग के जो पापा है ना वो 29 ईयर्स बड़े हैं, तो ये 29 कम हो जाएगा, x माइनस 29। ये रिलेशन एक बार वापस समझो, बाईचुंग के फादर जो है ना हमने मान लिया x है, तो ग्रैंडफादर जो है वो इससे 26 बड़े हैं, ठीक है ना, और बाईचुंग अपने पापा से कितना छोटा है, 29 ईयर्स, बस खत्म। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑल थ्री, इन तीनों की एज का जो सम है ना वो 135 ईयर्स है, तो तीनों को ऐड कर दो, x plus 26 plus x minus 29 equal to 135, तो कितना हो जाएगा, xxx 3x, 26 में से माइनस करोगे 29, तो माइनस का 3 इक्वल टू 135, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 135 प्लस 3, तो कितना हो गया 138, तो x इक्वल टू 138 अपॉन 3, तो देखो ये कटेगा 4 और 6, 46 आ रहा है, ठीक है। अब आप ये वैल्यू इसके अंदर रख दो, ये तो 46 ही हो गया इसके फादर, ये कितना हो जाएगा 46 प्लस 26, तो इसके ग्रैंडफादर कितने हो गए 72, और ये कितना हो गया 46 माइनस 29, तो ये हो जाएगा आपका 17 इयर्स का, तो बेटा है 17 इयर्स का, इसके बाईचुंग के फादर 46 है और बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर 72 है। अब आप इन तीनों को ऐड करके देखो 135 ही आएगा, करके देख लो 46, ऐसे ही कर रहा हूं, करना नहीं है आपको, एक बस एक अंदाजा बता रहा है, तो देखो कितना हो जाएगा 8 15 और 11 8 30 आ रहा ना, तो राइट है ना आंसर, और आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, तो देखो समझना यहाँ पर, एक एक चीज को क्लियर करते हैं। सबसे पहले रवि की जो एज, लेट रवि एज कितनी है, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, चलो छोड़ो एक्स छोड़ो, वाई मान लो, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब लेटर,
15 साल के बाद में 15 ईयर्स फ्रॉम मतलब लेटर बाद में इसकी एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 15 हो जाएगी 15 साल के बाद में, तो यही हो जाएगी ना इसकी एज। अब ये कह रहा है कि 15 इयर्स के बाद में रवि एज विल बी 4 टाइम्स, रवि की एज का कितना हो जाएगा ये, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y प्लस 15 इक्वल टू 4 y है ना, रवि की एज का 4 टाइम्स, तो 15 इक्वल टू 4 y माइनस y, तो ये कितना हो गया 3 y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 अपॉन 3, क्लियर है, तो y इक्वल टू 15 में 3 से डिवाइड करोगे तो 5, तो इसकी यही तो पूछ रहा है, रवि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी 15 इयर्स, 15 साल का बच्चा है। चलो नेक्स्ट, अरे यहाँ पर मैंने ये 15 लिख दिया आपको, तो ये देखो 5 आया था ना, तो इसकी परसेंटेज आपकी ना 50 नहीं, ये सॉरी 5 होगी ना, 5 आंसर होगी, इसकी परसेंटेज 5 होगी, ठीक है। चलो प्रीवियस लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हमारे 13 14 15 16 क्वेश्चन बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, बाय बाय, लव यू ऑल।